महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को रोकने के लिए रावजी बाजार पुलिस ने कई पहल करते हुए थाना क्षेत्र में महिला चौपाल शुरू की। पुलिस की महिला विंग द्वारा गली मोहल्ले में जाकर महिलाओं को समस्या सुनी जाएगी और हाथों हाथ निस्तारण किया जाएगा। यह समस्या सिर्फ महिलाओं की महिला पुलिस द्वारा ही सुनी जाएगी, जिसको लेकर रावजी बाजार की पुलिस की पूरे क्षेत्र में महिलाओं द्वारा तारीफ की जा रही है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रावजी बाजार की महिला पुलिस को निर्देशित किया गया था कि महिला अपराध रोकने के लिए क्षेत्र में गली मोहल्ले में जाकर महिला चौपाल लगाई जाए और महिलाओं बच्चियों की समस्याएं सुनी जाए। वहीं रावजी बाजार की SI सीमा धाकड़ को इस महिला चौपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद महिला पुलिस ने 5 दिनों में करीब 7 से 8 महिलाओं की समस्याओं को सुलझाया। महिला चौपाल वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार पिछले एक हफ्ते से चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत महिलाओं मतलब उन्हीं की गलियों में जाकर महिलाओं को इकट्ठा करके, जो गली की महिलाएं होती हैं, मोहल्ले की महिलाएं होती हैं, उनको इकट्ठा करके उन्हीं के बीच में बैठकर उनकी समस्याएं सुनकर उद्देश्य रहता है कि उन्हें सॉल्व किया जा सके। किस तरह की समस्याएं बतलाई महिलाओं ने पिछले एक हफ्ते से जब से हमने लगाना स्टार्ट किया है, तो उसमें अधिकतर जैसे हम गली नंबर 3 में गए थे, जिसमें काफ़ी अंधेरा रहता था, तो बच्चियों की समस्या थी कि जब वो रात के समय, महिलाओं की भी समस्या थी कि जब वो रात के समय निकल के जाती हैं वहाँ से, तो उन्हें समस्या होती है, कुछ लड़के खड़े होकर कमेंट्स बाजी करते हैं, वो समझ नहीं पाती हैं, देख नहीं पाती हैं, तो वो चाहती थी कि वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए। चूँकि ये हमारे क्षेत्र अधिकार से बाहर था, तो इसलिए हमने नगर निगम को लेटर लिखा है, जो आज उसको कंप्लीट करवा दिया गया और लाइटिंग की व्यवस्था करवा दी गई है। अभी तक हमारे बीच में 7-8 समस्याएं आ चुकी हैं, जिसमें से 4-5 समस्याएं हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को सॉल्व कर सकें। आप महिलाओं के बीच में जा रही हैं, तो किस तरीके से उनका व्यवहार होता है और किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स होता है? महिलाओं के बीच में जाके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब हम उनसे उनके यहाँ पे जाकर उनके लेवल पे जाके बात करते हैं, तो वो कंफर्ट होके हमें अपनी सारी समस्याएं बता पाती हैं। मतलब हम कोशिश करते हैं कि उनको ऐसा फील ना हो कि पुलिस एक उनसे बात करे, हम बहुत फ्रेंडली होकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो हमें अपनी सारी मतलब जो समस्या होती है वो बेझिझक होकर बता पाती हैं। मैडम, आपको लगता है कि ऐसी महिला चौपालों से मतलब आम आदमी या महिलाओं में बढ़ेगी करने आने की? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जब हम उनके बीच में जाके बातचीत करते हैं, तो उससे हम महसूस होता है कि वो हमें ना कि पुलिस ऑफिसर समझ के अपनी समस्याएं बताती हैं, एज ए फैमिली मेंबर समझ के प्रॉब्लम्स बताती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैडम आप किसी और को मत बताना, आप अपने लेवल तक इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, उस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं। खासतौर से बच्चियां जो कि इस क्षेत्र में बच्चियां जो रह रही हैं, उनके उन्होंने भी अपने कैरियर से संबंधित काफ़ी सवाल पूछे हैं, जिनको भी समाधान करने की हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है। बहुत सारी बच्चियों का इंटरेस्ट रहता है कि उनको पुलिसिंग लाइन में जाना है या टीचिंग लाइन में जाना है, तो उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, तो इससे बच्चियों को ये फील हो रहा है कि हम उनको प्रॉपर गाइडलाइन भी दे पा रहे हैं। महिला जो प्रदेश में पहली बार हो रहा है जी, ये इंदौर शहर में पहली बार हो रहा है, जो कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार किया जा रहा है। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर सीमा धाकड़।